नमस्कार दोस्तों दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे एलपीआर सिस्टम जो होता है ये ऑटोमेटिक तरीके से एक लिक्विड का खास स्तर जो है किस तरह बनाए रखता है और इसका जो कटआउट सिस्टम होता है वो कैसे काम करता है, इसके बारे में हम जानेंगे। दोस्तों इस टंकी में जो ये रिसीवर है, लो प्रेशर रिसीवर, इसमें गैस का एक खास लेवल, लिक्विड का एक खास लेवल बनाए रखने के लिए ये जो स्विच लेवल स्विच है, इस स्विच का यूज किया जाता है। इस स्विच के सहायता से ही इसमें एक खास लेवल लिक्विड का बनाया रखा जाता है। तो किसी किसी में इस तरह का दो स्विच लगा होते हैं, दोनों सेम स्विच होते हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। तो एक अपर साइड में लगा होता है, एक डाउन साइड में लगा होता है, ठीक है। तो दो स्विच लगे होते हैं, दोनों का काम अलग अलग होता है दोस्तों। तो मैं इसके बारे में पूरा डिटेल से बताऊंगा कि दोनों का अलग अलग क्या काम है। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें, ठीक है दोस्तों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब इसमें रिसीवर में लिक्विड का मात्रा बिल्कुल ही लो होता है, डाउन होता है, तो ये जो स्विच है, ये स्विच सोलेनोइड वाल्व जो डायरेक्ट इसमें लिक्विड आता है, उस सोलेनोइड वाल्व को ये चालू रखता है। जब इसमें लिक्विड कम होता है तो सोलेनोइड वाल्व को चालू रखता है, और जैसे जैसे इसमें लिक्विड बढ़ता जाता है तो इसमें एक बॉल लगा होता है, बॉल जो स्पेंडल लगा होता है उस स्पेंडल को उठाता है और वहाँ जाकर स्विच को ऑफ कर देता है, ठीक है। तो जिसके कारण से जो सोलेनोइड वाल्व है वो बंद हो जाता है और लिक्विड आना बंद हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह ये ऑटोमेटिक तरीके से कटआउट होते रहता है। जब लिक्विड का स्तर पूरा हो जाता है तो ये बंद कर देता है, डाउन होता है तो चालू कर देता है। तो इस तरह एक खास स्तर लिक्विड का बनाए रखता है। तो आपने दोस्तों ये जान लिया कि इसमें ये जो स्विच का क्या काम है और ये किस तरह इसमें लिक्विड का एक खास लेवल इस रिसीवर के अंदर में बनाए रखता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि बाई चांस अगर इस सिलेंडर में या जो मेन रिसीवर होता है उसमें गैस कम हो जाए, लिक्विड कम हो जाए और इसमें आना गैस बंद हो जाए, तो स्विच को लगेगा कि लिक्विड इसमें भर नहीं रहा है और ये सोलेनोइड वाल्व को हमेशा चालू रखेगा, जिस कारण से ये इसमें लिक्विड का असर डाउन होते होते नीचे चला आएगा और एक समय ऐसा आएगा कि इस पंप में लिक्विड बिल्कुल ही नहीं आ पाएगा और ये पंप खराब हो सकता है। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि एक और स्विच लगा होता है। तो अगर बाई चांस प्लांट में लिक्विड कम है और इसमें लिक्विड आ नहीं रहा और सोलेनोइड वाल्व हमेशा चालू रहता है तो ये इसमें डाउन होने लगता है लिक्विड, और ये जो पिस्टन है इसमें जो बॉल लगा है वो बॉल नीचे आता है और ये स्विच को ऑफ कर देता है, जिसके कारण से ये मोटर बंद हो जाता है। यानी इसका जो कनेक्शन है ये दोनों पंप से होता है, एलपीआर का जो पंप होता है लिक्विड पंप उससे कनेक्शन होता है, और इसका सिर्फ और सिर्फ काम दोस्तों इसका काम जो है केवल पंप को बंद करना है, ठीक है दोस्तों। तो केवल ये पंप खराब ना हो, खाली ना चले, उसको ये बंद करने का काम करता है जब इसमें लिक्विड का स्तर ज्यादा डाउन हो जाता है। तो दोस्तों इसका भी आपने काम जान लिया। तो इस तरह दोस्तों एक लिक्विड का खास स्तर बनाए रखता है। यहाँ आपको दिखाता हूँ दोस्तों कि ये जो सोलेनोइड वाल्व है, यहाँ देखते हैं ये सोलेनोइड वाल्व है, तो इसका कनेक्शन उस ऊपर वाले स्विच से होता है। आपको बताता हूँ ये जो स्विच है ये ऊपर वाले स्विच से इसका कनेक्शन होता है। तो इस तरह दोस्तों इसमें एक लिक्विड का खास असर बनाकर रखता है और ये ओवरफ्लो इसको होने नहीं देता, और ये जो कंप्रेसर है कंप्रेसर तक लिक्विड आ नहीं पाता। तो दोस्तों आपने जान लिया होगा कि एलपीआर सिस्टम में लिक्विड का एक खास असर कैसे बनाकर ये ऑटोमेटिक जो स्विच होता है वो कैसे रखता है, और लिक्विड ज़्यादा डाउन होने पर ये पंप को कैसे बंद कर देता है, इसके बारे में आपने पूरी जानकारी पा लिया होगा। तो दोस्तों एलपीआर सिस्टम से रिलेटेड और भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं, हो सके तो मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।